आज का हमारा क्लास है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन। टॉपिक है हमारा डाइजेशन, पाचन। पाचन के बारे में आज हम जानेंगे कि मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया कैसे होती है। क्योंकि अभी तक आपने भोज्य के बारे में, भोज्य पदार्थों के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा है, तो सब कुछ जानते हुए भी अगर हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करते हैं, उसके फंक्शन कैसे होते हैं, तो फिर सारे नॉलेज को जानने से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि हम सारे न्यूट्रिएंट के बारे में जान रहे हैं, सारे फूड के बारे में जान रहे हैं कि हाँ ये खाने से हेल्थ हमारा सही रहेगा, ये खाने से हेल्थ हमारा सही रहेगा, तो ये हमें पता है कि सारी चीजें सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में डेली डाइट में लेने से हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर वो हम अच्छे न्यूट्रिएंट लेते रहेंगे, वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सही से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे सिर्फ फूड को लेना ही सही नहीं होता है, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो सही प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे क्या है कि हम एक कोई भोजन कर रहे हैं उसके बाद तुरंत कुछ और खा ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कभी कभी साइड इफेक्ट हो जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट हैं वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कभी भी हम कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो उसको पचने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय मिलना चाहिए। इसीलिए आपके डेली रूटीन को इस हिसाब से बनाया गया है कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। जैसे अगर सुबह सुबह आप चाय प्रेफर कर रहे हैं, वैसे तो चाय नहीं लेना चाहिए, दिन की शुरुआत कभी चाय से नहीं करनी चाहिए क्योंकि चाय से भूख कहीं ना कहीं मरती है। तो अगर फिर भी अगर आप चाय सुबह सुबह ले रहे हैं तो उसका भी एक समय निर्धारित होना चाहिए, यानी 6 से 7 बजे के बीच में अगर आप चाय ले रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे के बाद आप सुबह का ब्रेकफास्ट लीजिए, उसके कम से कम 3 घंटे के बाद आप लंच लीजिए। तो इसी हिसाब से हमारे डेली रूटीन भी बनाए गए हैं। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट एक एग्जैक्ट किया गया है 9 बजे, दोपहर का लंच 1 बजे, फिर शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है तो वो 4 या 5 बजे के बीच में, फिर रात का डिनर लेना है 9 बजे। यानी आप देख सकते हैं कि बीच में कितना गैप है। इसके बीच बीच में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हम ले सकते हैं, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट हम ले लिया, उसके बाद बीच में हम फलों का जूस ले सकते हैं, उससे डाइजेस्ट और अच्छे से होता है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, उसको सही प्रकार से काम करने देने के लिए बीच में गैप होना जरूरी है। जैसे अक्सर सभी लोग व्रत रहते हैं, अपने अपने धर्म के अपने अपने होते हैं, कोई व्रत रहता है, जैसे मुस्लिम रोजा रहते हैं, हिंदू व्रत रहते हैं, तो व्रत कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको दिख रहा है ये भी एक मशीन की तरह है, तो जैसे मशीन हमेशा चलता रहता है तो हमेशा चलने की वजह से उसमें कुछ खराबी आ सकती है, या उसको अच्छे से चलने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए। तो बीच बीच में जो हम रेस्ट दे रहे हैं वो तो होना ही चाहिए, साथ में कभी कभी हफ्ते में महीने में 1-2 फास्ट भी रखना चाहिए। उससे क्या होता है जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अपने बहुत अच्छे तरीके से काम करने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव पार्ट है, ये कैसे काम करते हैं, कौन सा भोज्य पदार्थ कहाँ जाता है, किसको कौन सा पार्ट पचाता है, उसकी क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो पाचन सभी को पता है, पाचन एक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा जो भी हम न्यूट्रिएंट अपने डेली डाइट में लेते हैं उसको वो सबसे सरलतम इकाई में परिवर्तित कर देता है। यानी जो भी हम भोज्य पदार्थ डेली ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, सॉलिड है, तीन तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं, तरल भोज्य पदार्थ, अर्ध तरल भोज्य पदार्थ और सॉलिड यानी ठोस भोज्य पदार्थ। तो जिस भी तरह का हम आहार ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में जाके तुरंत हमें एनर्जी नहीं देता है, यानी हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ भी हम प्रोटीन वाली चीजें बहुत अच्छे सोर्सेस से ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और तुरंत हम बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसको डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही हमें एनर्जी नहीं दे रहा है, बल्कि वो कई तरीके से कई प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, उसके बाद
वो हमारे शरीर को एनर्जी देगा। जैसे नॉर्मली हम एग्जांपल में पानी का फिल्टर ही ले लीजिए जो पानी को प्योरीफायर करता है, तो उसमें आपने देखा होगा उसके कई सारे पार्ट हैं, यानी उसमें पानी जाता है, फिर थोड़ा सा फिल्टर होके एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता है, फिर थोड़ा सा उसमें से फिल्टर करके फिर तीसरे में जाता है, उसके बाद लास्ट में आके हम उसमें से पानी निकाल के पीते हैं। तो हमारा बॉडी भी ठीक ऐसा ही है, बॉडी के डाइजेस्टिव पार्ट भी ठीक ऐसा ही है। इसमें जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं इसके अलग अलग रोल हैं, अलग अलग फंक्शन हैं। तो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और ये अंदर कैसी प्रक्रिया कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा माउथ यानी मुख, यानी सबसे पहला हमारा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे पहला पार्ट है हमारा मुख, क्योंकि हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो हमारे मुख से ही अंदर जाता है, यानी प्रक्रिया यहीं से शुरू हो रही है। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट के अंतर्गत ही आता है। अब मुख के आसपास सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा होता है, सलाइवा यानी लार, तो लार के रूप में हम भोज्य पदार्थों को चबाते हैं और चबाने में मदद करता है जीभ और जबड़े, जीभ दांत और जबड़े। तो जीभ से क्या होता है स्वाद मिलता है, जबड़े और दांत पचाने में बहुत मदद करते हैं। इसीलिए हमेशा बचपन से ही कहा जाता है, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमेशा भोजन को चबा चबा कर उसको ग्रहण करना चाहिए। यानी आप अपने डेली डाइट में, यानी एग्जांपल आप सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो आप चार रोटी की जगह दो ही रोटी खाइए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से चबाइए, क्योंकि जब वो बहुत अच्छे से उसको चबा वो बहुत अच्छे से लिक्विड बनेगा, बहुत अच्छे से पिस जाएगा, तो डाइजेस्ट होने में बहुत आसान होता है और कम समय में डाइजेस्ट हो जाता है। तो जितने अच्छे से हम भोजन को चबाएंगे उतने अच्छे से डाइजेस्ट वहीं से होना शुरू हो जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा होता है लार, जो कि भोजन को पचाने में बहुत फायदा करता है। और इस सलाइवरी ग्लैंड में एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइपेज नामक एंजाइम होता है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। ये एंजाइम पाचन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि भोजन पचना वहीं से शुरू हो जाता है। और ये आता है फिर ग्रास नली, यानी भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो ग्रास नली के द्वारा अंदर जा रहा है, और ये ग्रास नली मुख से शुरू होकर अनस तक जाता है यानी गुदा तक जाता है, यानी मुंह से हम खाते हैं और लास्ट में जहां से निकलता है वहां तक ये जाता है। तो इसकी लंबाई कम से कम 30 फीट, 30 फीट तक होती है, यानी हम सोच सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 30 फीट की लंबाई का एक पार्ट मौजूद है जो दिखता नहीं है और जो महसूस नहीं होता है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है जो मुख से शुरू हो रहा है और अनस तक जाकर खत्म हो रहा है। यानी हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन जो ग्रहण कर रहे हैं वो सारा हमारे बॉडी में नहीं रह रहा है, बल्कि वो बहुत प्रक्रिया से गुजरकर फिल्टर होते 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 जो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, बॉडी में जो इफेक्टिव है वो बॉडी में पूरे बॉडी में वो पहुंचा देते हैं, और बाकी की जो वेस्ट चीजें हैं वो यही अनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो 30 फीट लंबाई का होता है। तो ये ग्रास नली से हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो स्टमच यानी अमाशय में भोजन आकर इकट्ठा होता है। तो हम सबसे पहले मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, फिर हमारे स्टमच में आके वो भोजन इकट्ठा हो रहा है। अब स्टमच के बाद आपको दिख रहा होगा लीवर, यकृत, यकृत में आपको दिख रहा होगा गॉल ब्लैडर यानी पित्त की ये थैली है। तो लीवर से पित्त रस निकलता है जो भोजन को पचाने में हेल्पफुल होता है, यानी भोजन को पचाने के लिए आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे एंजाइम्स की आवश्यकता है। यानी नॉर्मली हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ मिल गया, खा लिया, अब हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन असली का काम तो अंदर हो रहा है। बाहर तो बस हम भोजन ग्रहण किए, हमारा काम है बस भोजन को अच्छे से चबा के ग्रहण करना, बाकी का सारा फंक्शन तो अंदर कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीवर से पित्त रस निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर में बनता है, पित्ताशय में बनता है, ये हमारे स्टमच में पहुंचाता है, अमाशय में पहुंचाता है। यहाँ पे कुछ प्रक्रिया होती है। अब बाकी जो मुख में हुआ, मुख से आगे यहाँ आया ग्रास नली के द्वारा, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है। इसमें कुछ फिल्टर होते हैं जो भोजन को पचाने में पित्त रस बहुत इफेक्टिव होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है,
ज्यादातर ये जब एज बढ़ती है और कहीं ना कहीं हमारा डाइट सही नहीं है, सही प्रकार से हमने भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं किया है, इसके अलावा खाने का रूटीन सही नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे स्टोन हो सकता है। इसके अलावा बाहरी भोज्य पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करने से इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होता है, जब स्टोन हो जाता है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव पार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट ही निकाल दिया गया, यानी इसका काम तो अब है नहीं, ये तो काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के डाइजेशन में थोड़ी और दिक्कत आएगी, मतलब लंबा प्रोसेस चलेगा। जहां नॉर्मली 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, हो सकता है 6 से 7 घंटे लगे, क्योंकि एक पार्ट है ही नहीं, एक एंजाइम जो निकलता है वो निकलेगा ही नहीं, तो जिसका जो आमाशय में भोज्य पदार्थ पच रहे हैं उसको पचने में और समय लगेगा। तो ये लीवर से पित्त रस निकल रहा है जो स्टमक में भेज रहा है। अब यहां से, यहां पे है पेनक्रियास यानी अग्नाशय, अग्नाशय से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो स्टमक में भेजते हैं, गैस्ट्रिक जूस जूस वगैरह इसमें रहते हैं, जो भोजन को पचाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जूस भी हैं जो बहुत ही मतलब तेजाब की तरह होते हैं, तो पैनक्रियास में जो जठर रस होते हैं वो जठर रस इतने इतने इफेक्टिव होते हैं, मतलब इतने ज्यादा जहरीले होते हैं इसको कह सकते हैं, कि जैसे अगर उसको किसी के चेहरे पे छिड़क दिया जाए तो वो उसका चेहरा झुलस जाएगा, यानी हमारे बॉडी के अंदर ही ऐसे तेजाब के जैसे कुछ रस ऐसे मौजूद हैं जो भोजन को पचाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो जो स्ट्रांग भोज्य पदार्थ है उनको पचाने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए कभी भी भोजन ग्रहण करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, अगर पानी पी भी रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में, 1-2 सिप ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा सोचे कि खाना खाने के बाद तुरंत 1-2 गिलास बहुत अच्छे से पानी पी ले, तो उससे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है, जो जठर रस है वो ठंडे हो जाते हैं, यानी जो उसको तेज होना है भोजन को पचाने में, जो वो एक्टिव है तो कहीं ना कहीं वो ठंडा पड़ जाता है, जिससे भोजन पचने में और दिक्कत होती है। तो ये पैनक्रियास से जठर रस निकल रहा है उसको डाइजेस्ट करने में काफी हेल्पफुल है। अब इसके बाद ये इसमें आपको दिख रहा होगा इंटेस्टाइन यानी आंत, आंत पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है, ऐसे तो सारे मेन हैं लेकिन आंत का काम बहुत ही बड़ा होता है। तो आंत 2 प्रकार के होते हैं, इंटेस्टाइन 2 होते हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब यहाँ पैनक्रियास से स्टमक से सारा भोज्य पदार्थ फिल्टर होने के बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको भेजता है। अब ये जो मेन काम होता है भोजन को पचाने का वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा भोज्य पदार्थ अपने लास्ट रूप में पचता है और पचने के बाद ये भेजता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा भोज्य पदार्थ जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा कुचा भोज्य पदार्थ है वो लार्ज में जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन इसको क्या करता है, इसको अनस तक पहुंचाता है यानी गुदा तक पहुंचाता है, और जो भी बचे कुछ भोज्य पदार्थ हैं वो फेसेस के द्वारा मलमूत्र तथा मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोज्य पदार्थ लास्ट प्रक्रिया से गुजरते हैं, लास्ट वो पचता है, पचने के बाद जो वेस्ट चीजें हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, हेल्दी है, वो हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचा देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का पाचन होता है, यानी जो यहाँ बची कुछी चीजें हैं वो यहाँ पचता है, यानी मेन काम यहीं तक हो जा रहा है। लेकिन यहीं तक होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन ना रहे तो सिर्फ स्मॉल से काम चल जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन क्रिया किसी के द्वारा हो रही है ना, और उत्सर्जन क्रिया हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, यानी हम सारे भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, सोचे हमारे बॉडी में ही रह जाए और हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये बहुत बेवकूफी है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए जितनी इफेक्टिव है उतनी ही रहेगी, आप कितनी भी भोजन अपने शरीर में ग्रहण क्यों ना कर लीजिए। तो उत्सर्जन होना बहुत जरूरी है, और यहां से ये जब यहां जा रहा है तभी उत्सर्जन क्रिया हो रही है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनस से बाहर निकल जा रहा है। तो जितने न्यूट्रिएंट है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जा रहा है, और जो बचा कुचा वेस्ट चीज है वो लार्ज में आ रहा है, पानी भी लार्ज में आ रहा है, यहाँ
तरीका से जितने हमारे शरीर को जरूरत है वो रख के बाकी वो सारा बाहर निकाल देता है मल तथा मूत्र के द्वारा। तो ये हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है, इसमें हमारा सारा भोजन स्टोर होके रहता है जो कि माउथ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, मुख से ही एंजाइम बनने शुरू हो जाते हैं और हमारे पूरे बॉडी में जाके तब जाके बाहर निकल रहा है, यानी कितना लंबा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। तो हमेशा भोजन को ग्रहण करने से पहले बाद अपना टाइमिंग देख लेना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे का बीच में एक गैप हो। और इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि खाने का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। जैसे प्रोटीन वाली चीजें हमने ले लिया, नॉनवेज ले लिया, नॉनवेज लेने के बाद फिर से कोई प्रोटीन वाली चीज ले ली जैसे दूध दही इसके अलावा कुछ और, तो दो तरह की प्रोटीन हम ले रहे हैं, उससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट पड़ता है। कैसे? क्योंकि प्रोटीन को पचने में काफी लंबा समय लगता है और जब दो तरह के प्रोटीन हम अपने शरीर में लेंगे तो उससे भी काफी दिक्कत होगी। और इन सारे पार्ट में जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, प्रोटीन के नाम से ही जुड़े रहते हैं। तो हमेशा अपने डाइट में एक गैप मेंटेन रखना चाहिए जिससे हमारा डाइजेस्ट अच्छे से हो सके और जो भी हम भोजन पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो सही मात्रा में हमारे शरीर में जाए और सही तरीके से बाहर निकल आए। ये हमारा माउथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये हमारा ग्रास वैली, स्टमच, पैनक्रियास, अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, ये हमारा अनस। ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बना रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है अवशोषण यानी अब्जर्वेशन, ये तो पाचन हो गया, पाचन और अवशोषण दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे पूरे बॉडी में जब पाचन हो जाता है तो पाचन होने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज में वेस्ट चीजों को भेज दे रहा है उसके बाद हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं और जिस पार्ट में जितनी न्यूट्रिएंट जानी है उस सारे पार्ट में पहुंचा देता है, उसी को एब्जॉर्बेशन कहते हैं। तो अवशोषण यानी हमारे शरीर में वो चीजें अवशोषित हो गई हैं, तो पहले पाचन होगा फिर अवशोषण। तो ये हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन की पाचन कैसे होता है, तो डाइजेस्टिव पार्ट में पाचन इस प्रकार से हो रहा है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू।